मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, एक मेरे पास बना हुआ है ना, उसके ऊपर आप सिस्मिक एनालिसिस करना चाहते हैं, तो सिस्मिक के लिए मैं क्या करूँगा, पहले जनरल में जाता हूँ और जनरल में जाके लोड, और लोड के अंदर जाके मैं देखता हूँ कि एक मेरे पास फ्लोर लोड है, एक और फ्लोर लोड है और कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से तो मुझे दिक्कत है नहीं, और लोड में जो है मैं ऐसा चाहता हूँ कि दो तीन अलग अलग लोड आ जाए, ताकि दो तीन लोड को कैसे यूज़ करेंगे अलग अलग टाइप को सिस्मिक में वो हमें आ जाए। तो मैं फ्लोर को तो डिलीट कर देता हूँ, फ्लोर नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ से जाता हूँ क्लिक और करता हूँ ऐड, और यहाँ से मैंने एक तो ले लिया सेल्फेड, ठीक है, एक नोडल लोड लिया, नोडल लोड में लेता हूँ -0.12, ये भाई मैं बता दूँ ऐड मेंबर में जाता हूँ -0.25 और ये भी ऐड, ठीक है। तो पहले एक नोड सेल्फ हो गया, एक नोडल हो गया, मेंबर हो गया और एक हमारा हो गया फ्लोर लोड है, ठीक है, इतने लोड हमने लिए। अब यहाँ से सेल्फ बिल्ड को मैंने कर दिया असाइन, एक ये वाला नोड है, ये वाला नोडल वाला, उसको असाइन कर देते हैं कहाँ पे चाहिए, ठीक है, फिर ये वाला मेंबर वाला आ गया, नोडल वाला दिखेगा नहीं, ठीक है, ऊपर क्लिक करना फिर आप उस नीचे ले आओगे, वैल्यू चाहिए इसको शिफ्ट प्लस वी देखिए वैल्यू, तो मैंने लोड लगा दिया, तीन चार चाहिए लोड हैं, एक ये फ्लोर लोड भी लगा हुआ, ठीक है। ऑर्डर हमेशा याद रखना, ऐसे ही रहना चाहिए ऑर्डर में, पहले सेल्फेट आता तो पहले सेल्फेट ऐड करना है, फिर नोडल आता तो फिर नोडल को लेना, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने पहले सेल्फ ले लिया फिर फ्लोर ले लिया बाद में नोडल ले रहे हो फिर मेम्बर ले रहे हो, तो वार्निंग देने लगे जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिखे हुए हैं ना उसी ऑर्डर में आना चाहिए। अब इसमें अभी इसको लेके पहले सॉल्व करता हूँ, जो हमने किया है वो इफेक्ट इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब आते हैं हम सिस्मिक के लिए, सिस्मिक भूकंप एनालिसिस, भूकंप का जो होता है अर्थक्वेक एनालिसिस, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्मिक एनालिसिस। उसके लिए पहले मुझे ना डिफाइन करनी पड़ेगी डेफिनेशन, अगर आप डायरेक्टली यहाँ से जाते हो और सिस्मिक पे, ये रहा सिस्मिक लोड, क्या कह रहा है सिस्मिक डेफिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, तो हम क्या करें पहले डेफिनेशन में करेंगे, और यहाँ से मैंने स्नो वाला बता दिया था सिस्मिक लेना है इस बार, और करते हैं ऐड। सिस्मिक में जाने के बाद किस टाइप का है, टाइप इसके अंदर कौन सा कोड, इंडियन, इंडियन कोड है, इंडियन कोड सर हमारा मेरिट से अब जनरेट में जाएंगे, ये ना शायद गेट नहीं दे रहा है, ये गेट नहीं दे रहा है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये कोड इंडियन कोड लेने के बाद मैं करता हूँ ऐड करते हैं यस, और सेल्फेट वन ऐड। अब देखो होता क्या है, जब भूकंप आता है तो क्या होता है, जो भी लोड आपने स्ट्रक्चर के ऊपर लगा रखे हैं उस स्ट्रक्चर के लोड की वजह से जो उस पर रिएक्शन जनरेट होती हैं उन रिएक्शंस को ही भूकंप एनालिसिस हम लोग कंसिडर करते हैं। तो क्या है, अभी हमने जो लोड लगा रखा था उसको था सेल्फेट, तो सेल्फेट की वजह से मैंने यहाँ पे ले लिया जोन में, ये सिस्मिक डेफिनेशन है, सिस्मिक डेफिनेशन में कौन सी रिएक्शन, पुराने वर्जन में क्या होता था, सिस्मिक डेफिनेशन नहीं थी तो हमें रिएक्शन निकाल के सारी लगानी पड़ती थी, मतलब कैसे, जैसे ये वाला एक मैंने लगा रखा था, यहाँ पे चार जगह पे पॉइंट लोड लगा हुआ है तो चारों पे दो रिएक्शन लगे, एक तो एक्स में और एक जेड में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार जगह पे लगानी पड़ती है मुझे निकाल के। अब सिस्मिक में क्या करना पड़ेगा, जो लोड है ये सारा इसको इसमें डालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में लगना चाहिए। जब सिस्मिक आएगा तो भूकंप या तो एक्स में घूमेगी या जेड में जाएंगे, है ना, वाई का मतलब है नहीं इसके अंदर, हाँ मुश्किल है हमारा, तो एक्स और जेड का ही होगा। अब हमें क्या करना है, ये मैंने ले लिया एक, फिर आप जाएंगे यहाँ से स्टैड एडिटर, अब स्टैड एडिटर में जाने के बाद यहाँ से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से मुझे मिलेगा डिफाइन, ये फिक्स है ना, फिक्स का एंटर करना और स्टार लगा देना, स्टार इसके अंदर कंसिडर नहीं होता, काउंट नहीं होता है ना, जैसे पता ही नहीं चलेगा कि स्टार यहाँ पे खाली है, बस ये मैंने एक सेपरेशन दे दिया अपने लिए। तो दोनों स्टार लाइन के बीच में जो तीन लाइनें आ रही हैं ये भी सिस्मिक की डेफिनेशन है, ठीक है, सिस्मिक लोड जो है वो इसके बीच में है, सर ये कहीं दे सकते हैं
ये कहीं भी खरीद सकते हैं। डिफाइंस से ऊपर, डिफाइंस जो हमने लिया था 1893 में कोड का उसका सेस्मिक का इसके ऊपर होना चाहिए, और सेल्फेट वन जो मैंने सेल्फेट वन आखिरी में भी दिया था बताया था कि लोड लगेगा सेल्फेट वो वाला। अब नीचे जो हमारे लोड है ना, ये लोड इसके अंदर डालने पड़ेंगे एज अ वेट। सेल्फ वेट तो आ गया यहाँ पे, फिर जॉइंट लोड वाली दो लाइनें हैं, इन दोनों को यहाँ से लो और इसे कर दो कॉपी, और कॉपी करके हम करते हैं इसके नीचे वाले लाइन में पेस्ट। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कट नहीं करना है, पेस्ट करना है कॉपी, और यहाँ पे लोड की जगह करो वेट। ठीक है, और वाई जी एफ वाई जो है ये डायरेक्शन है कि वाई डायरेक्शन में था, तो डायरेक्शन हटानी पड़ेगी हमें, और नेगेटिव साइन भी नहीं चाहिए, ये माइनस में आ रहा ना, माइनस भी नहीं चाहिए इसी जगह, और इसकी जगह पर करना पड़ेगा वेट। तो जब लेंगे नोडल लोड, नोडल लोड के लिए कंडीशन ऐसी रहेगी, जॉइंट वेट करना पड़ेगा, डायरेक्शन की जगह वेट लिखना पड़ेगा और माइनस साइन हटाना पड़ेगा। सर वेट लेंगे तो वेट से नीचे रखता है, नीचे को ये नीचे को नहीं लगना ना, ये तो रिएक्शन है, एक्स में और जेड में जाना चाहिए, ये तो ऊपर वाला है ना, ये तो सिस्मिक की डेफिनेशन में डालें कि एक्स में लगे और जेड में लगे। तो एक्स और जेड अभी मैं बताऊंगा, अभी तो खाली बताऊंगा कि ये लोड है, अभी एक्स और जेड अभी बता रहे हैं। अब दूसरा है मेंबर लोड, इस मेंबर लोड को यहाँ से लिया और इसे कर देते हैं कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे, यहाँ पे भी पेस्ट, और लोड की जगह पे करेंगे मेंबर लोड वाला जो है उसके अंदर लोड की जगह वेट, और यहाँ से जी वाई हटाना पड़ेगा और माइनस साइन हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर तीसरा था फ्लोर लोड, फ्लोर लोड को सिलेक्ट किया, यही यहाँ तक इसे करा कॉपी और पेस्ट, लोड की जगह पे करना पड़ेगा वेट, और वाई माइनस डायरेक्शन हटाना पड़ेगा, माइनस तीन दिया था बढ़िया, और डायरेक्शन थी जी वाई डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये मेरे लोड इसमें मैंने डाल दिए, तीन तरीके के लोड थे बस, और तो कोई नहीं है, इसे हमने करा सेव और क्लोज। अब जो लोड थे मेरे, ये देखो ये वाले लोड थे, ये मैंने ऊपर डाले थे एज अ वेट, ये इसके तरह आ रहे हैं क्या, देख रहे हैं आ रहे हैं, जो नीचे था वेट वेट हो गया, क्योंकि मैंने वेट लिखा था, वेट वेट आ रहा है, यहाँ पे वेट ही आता है, नीचे वाले में लोड आता है लिखा हुआ, तो लोड को चेंज करके वेट करना पड़ता है। अब इसके अंदर जाओ और ऐड करेंगे, और यहाँ से हमें लेना है सिस्मिक लोड, और इसका नाम डालते हैं ई क्यू एक्स, और फिर ई क्यू जेड, अर्थक्वेक एक्स डायरेक्शन में, अर्थक्वेक जेड डायरेक्शन में। अब ऐड करेंगे एक्स में जाके, और यहाँ से लेता हूँ सिस्मिक एक्स के अराउंड पूरा वन, मतलब जो भी अभी मैंने वेट लिए थे सारे कॉपी करे थे ना, कॉपी करके पेस्ट, वो सारे के सारे एक्स की डायरेक्शन में लगने चाहिए पूरे 100% फैक्टर वन का मतलब ये। फिर जेड वाले में जाता हूँ, जो भी लोड लिए हैं मैंने वो जेड में लगने चाहिए पूरे के पूरे, और ऐड। ठीक है, लेकिन अब ये दोनों लोड जो हैं ई क्यू एक्स और ई क्यू जेड, ये इन वाले सारे लोडों से ऊपर आना चाहिए, लोड केस वन से भी ऊपर आने चाहिए ये दोनों लोड। तो इसके लिए हम फिर यहाँ से जाएंगे एडिटर में, और यहाँ पे ई क्यू एक्स देखो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से और यहाँ तक, तो मैंने ये चारों लाइनों को इस बार यहाँ से सेलेक्ट किया, ये चार लाइनें हैं ना, लोड केस ई क्यू एक्स के अंदर वन, ई क्यू जेड उसके अंदर जेड वन। ठीक है, इसे करेंगे कट इस बार, और कट करने के बाद जो स्टार लाइन थी ये इसके नीचे पेस्ट कर दो, ये पेस्ट। ठीक है, तो लोड केस वन जो था हमारा डेड लोड उसके ऊपर चले गए दोनों से, और अच्छा कर लो ई क्यू एक्स ई क्यू जेड ऊपर आ गया, बाकी लोड नीचे। ठीक है, ओके, और लोड देखना चाहते हो लोड देखें ई क्यू एक्स, सिस्मिक की भूकंप का जो है वो इफेक्ट क्या पड़ेगा वो ये है। ठीक है,
ये हो गया भूकंप का बाकी रिजल्ट निकालना वही सब कुछ है। ये एक्स की डायरेक्शन के अलाउंग बाई की एक्स जेड के अलाउंग पैरेलल और दूसरा और कॉम्बिनेशन एक सब का इफेक्ट अलग अलग ले सकते हैं। एन मतलब भी अपना आप लगा डिस्प्लेसमेंट अब चेक करें नोडल डिस्प्लेसमेंट बीम के अंदर फोर्स आ गया बेंडिंग जेड में स्ट्रेस दे रहा बीम का स्ट्रेस क्लिक करोगे ऊपर दिखाई देगा ग्राफ जिसे क्लिक करोगे ग्राफ आ गया ये कौन सा एक्स में अब दिखाई दे रहा बड़ा दिखाई और जेड जेड में सारी रिएक्शन जेड में आ रही है और पहला वाला लोड ये था दूसरा वाला लोड ये था और कंबाइंड ये था जी ऐसे तरीके शो ये बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे शो होते हैं ये बोल नहीं तो फ्लोर लोड या नीचे से ऊपर तक सब पे सारी फ्लोर के लिए ये वाला लोड था लेयर सर नीचे नीचे लगे हुए हैं नीचे ही लगे हुए हैं ना ये तो ऐसा ऊँचा ऊँचा तो दिखाई दे रही है ऊपर ही दिखाई दे रहा है ऐसे वो भी ट्राइंगल से बने हुए ऊपर ही तक पाते हैं ये सब के बने हुए इसलिए आपस में मिक्स होते हुए जा रहे हैं इसलिए इसको छोटा कर सकते हो कंट्रोल और स्क्रॉल इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वही की वही है सिर्फ देखने में जो है डिस्प्लेसमेंट वो कम हो गया बैंडिंग वगैरह कौन सा चाहिए सिटी को किसकी वजह से चाहिए एक्स की वजह से जेड की वजह से नोड वन की वजह से नोड टू की वजह से कॉम्बिनेशन की वजह से टोटल सर इसका जो सारा रिपोर्ट देने के लगा रिपोर्ट जनरेट करने के लिए फिर यहाँ से आएंगे यहाँ से जाएगा रिपोर्ट रिपोर्ट के अंदर इनपुट तो है आउटपुट आउटपुट में क्या लेना चाहते हैं नोट का डिस्प्लेसमेंट ये सारी वैल्यूज हैं जो आउटपुट में आ सकती हैं रिएक्शन और जो भी चाहिए आपको ऐड कर और बस ओके इस तरह निकल गए नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज कई सारे पेज में 17 पेज बने अभी बेस प्रेशर जो जो रिक्वायरमेंट है इसमें हमें स्ट्रक्चर कहीं फेल हो रही है स्ट्रक्चर फेल फेल ना हो उसको चेंजेस करने के लिए चलो आप सही कर सही कर लेते हैं।